हेलो दोस्तों, तो चलिए हम बात करते हैं बजट 2019-20 में घोषित योजनाओं के बारे में। और जनवरी 2019 से सितंबर 2019 तक जो जो घोषणाएं हुई हैं योजनाओं की, वो सब इस लेक्चर में देखते हैं लोग। ठीक है, तो पहली हमारी है फेम सेकेंड योजना, फेम द्वितीय योजना। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहन को तेजी से अपनाना है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक आवश्यक चार्जिंग और बुनियादी ढांचे को स्थापित करना है। इसके मुख्य बिंदुओं की बात करें तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया चैंड सेकेंड फेम इंडिया फेज सेकेंड नामक योजना के कार्यान्वयन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। केवल उन्नत बैटरी संचालित और पंजीकृत ई वाहनों को फ्रेम योजना के तहत प्रोत्साहित किया जाएगा। वित्तीय वर्ष पहलू की बात करें तो वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक 3 वर्षों में इस योजना के लिए कुल निधि की आवश्यकता 10,000 करोड़ रुपए है। यह योजना वर्तमान योजना फेम इंडिया से फर्स्ट का विस्तारित संस्करण है, जिसे 1 अप्रैल 2015 को कुल 895 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ लॉन्च किया गया था। अगली हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आर्थिक सर्वेक्षण 2019 ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बीबीपी योजना में बदलाव का प्रस्ताव दिया है। अभियान का नाम बदलाव बेटी आपकी धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी करके, इसका उपयोग लैंगिक समानता की दिशा में परिवर्तन को दर्शाने के लिए किया जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। चालू वित्त वर्ष में बीबीपी योजना को 280 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। अगली हमारी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMBY, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। केंद्रीय बजट 2019-20 में एक मातृत्व लाभ कार्यक्रम प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए आवंटन धनराशि है 2500 करोड़ रुपए। कितनी? 2500 करोड़ रुपए। मुख्य बिंदु की आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश मातृत्व लाभ कार्यक्रम प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत प्रदर्शन करने वाले तीन राज्य हैं आंध्र प्रदेश, फिर अपना हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। अगली योजना है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। मत्स्य क्षेत्र में प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना है। केंद्रीय बजट 2019-20 पेश करते समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मत्स्य पालन क्षेत्र में प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना की घोषणा की है। मजबूत मत्स्य पालन प्रबंधन संरचना के लिए नई योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मत्स्य पालन विभाग के तहत स्थापित की जाएगी। उन्होंने मत्स्य पालन के क्षेत्र के लिए एक नए मंत्रालय मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की स्थापना की। नए मंत्रालय का गठन कृषि संबंध क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किया गया है, जिसमें वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के सरकार के लक्ष्य को हासिल करने में सहायता की बड़ी क्षमता है। नवगठित मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के लिए आवंटित बजट 3737 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना व्यापारियों के लिए मासिक पेंशन योजना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छोटे खुदरा व्यापारियों और दुकानदारों के लिए 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3,000 रुपये मासिक पेंशन योजना को मंजूरी दी है।
इस योजना के मुख्य बिंदुओं की बात करें तो इस योजना के तहत सभी छोटे दुकानदारों, खुदरा व्यापारियों और स्वरोजगार करने वाले व्यक्तियों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम 3,000 रुपये मासिक पेंशन सुनिश्चित की गई। व्यापारिक समुदाय को पेंशन प्रदान करने वाली नई पेंशन योजना में 3 करोड़ छोटे खुदरा व्यापारी और दुकानदार शामिल हैं। इसकी पात्रता की बात करें तो सभी छोटे दुकानदार, स्वनियोजित व्यक्ति और खुदरा व्यापारी जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच हो और माल एवं सेवा कर कुल बिक्री 1.5 करोड़ रुपए से कम है, पेंशन योजना के लिए नामांकन कर सकते हैं। अब हमारी अगली योजना है नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र जो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड NCMC मानकों पर आधारित है, मार्च 2019 में लॉन्च किया गया है। इससे लोग पूरे भारत में कई तरह के परिवहन शुल्क का भुगतान कर सकेंगे। यह कार्ड रुपए कार्ड पर चलता है और उपयोगकर्ताओं को बस शुल्क, पार्किंग शुल्क आदि का भुगतान करने की सुविधा प्रदान करता है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI ने वन नेशन वन कार्ड विकसित किया है। आवासीय एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने वन नेशन वन कार्ड की अवधारणा तैयार की थी। ठीक, फिर है अपना वन नेशन वन ग्रिड। वन नेशन वन ग्रिड राज्यों को सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराना, ये संबंधित है, राज्यों को सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने से संबंधित। फिर अपना मुद्रा योजना, केंद्रीय बजट 2019-20 के अनुसार जनधन बैंक खाता रखने वाले प्रत्येक सत्यापित महिला SHG सदस्य के लिए 5,000 रुपये का ओवरड्राफ्ट की अनुमति दी जाएगी। प्रत्येक SHG से एक महिला मुद्रा योजना के तहत 1 लाख रुपए तक क्रेडिट की बात है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य गैर कॉरपोरेट और गैर कृषि लघु व्यवसायों को 10 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराना, जिसे मुद्रा ऋण कहा जाता है। मुद्रा ऋण को 3 श्रेणियों में दिया जाता है, शिशु इसमें 50,000 तक, फिर अपना किशोर 50,000 1 रुपये से 5 लाख रुपये तक, फिर तरुण 5 लाख से 10 लाख रुपये। मुद्रा योजना के तहत अधिकतम ऋण राशि 10 लाख रुपये और न्यूनतम ऋण राशि 50,000 रुपये है। मुद्रा के तहत माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। अगली हमारी जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन के तहत जल शक्ति मंत्रालय वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण घरों के लिए हर घर जल सुनिश्चित करने हेतु राज्य के साथ काम करेगी। वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में जल आपूर्ति की जाएगी। हमारा प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान PMGDISHA, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत 2 करोड़ से अधिक भारतीय डिजिटल साक्षर होंगे। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 6 करोड़ परिवारों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने के लिए उन्हें इसमें शामिल किया जाएगा। यह योजना केवल देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। प्रवेश मानदंड, लाभार्थी को डिजिटल अनपढ़ होना चाहिए। प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक वांछनीय परिवार से केवल एक व्यक्ति ही लिया जाएगा। आयु वर्ग होगी इसमें 14 से 60 वर्ष के बीच। अगली हमारी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चरण के 3 के तहत अगले 5 वर्षों में 1.25 लाख करोड़ किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाना है। इस परियोजना की लागत 80,200 करोड़ रुपए है। अगली हमारी एस्पायर योजना के तहत विकास के लिए वर्ष 2019-20 में 80 लाइवलीहुड बिजनेस इनक्यूबेटर और 20 टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर की स्थापना की जाएगी। एस्पायर योजना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत कार्यान्वित है और इसका उद्देश्य
भारत में नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। यह योजना मार्च 2015 में शुरू की गई थी। उद्देश्य 200 करोड़ रुपए के कोष के साथ ग्रामीण एवं कृषि आधारित उद्योग में नवाचार और उद्यमिता स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक केंद्रों इनक्यूबेशन सेंटर का एक नेटवर्क स्थापित करना है। फिर अपनी मनरेगा, कौन सी मनरेगा, बजट दस्तावेज के अनुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के लिए बस 2019-20 के बजट में 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। फिर अपनी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, केंद्रीय बजट 2019-20 में इस वर्ष आवंटन को बढ़ाकर 9,024 करोड़ रुपए कर दिया गया है। मूल रूप से आजीविका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन नामक इस कार्यक्रम का नाम बदलकर 2015 में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन रखा गया था। फिर अपनी अगली है प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएमएवाई ग्रामीण के तहत दूसरे चरण में 1.95 करोड़ घरों में शौचालय और एलपीजी कनेक्शन जैसी सुविधाएं पात्र लाभार्थियों को प्रदान करने का प्रस्ताव है। पीएमएवाई शहरी के तहत 80 लाख से अधिक घरों की मंजूरी दी गई है। वर्ष 2015-16 में जिन मकानों को पूरा करने के लिए 314 दिन की आवश्यकता थी, अब वह वर्ष 2017 में घटकर 114 दिन हो गई है। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए पीएमएवाई हेतु आवंटित बजट है 19,000 करोड़ रुपए। तो ये थी हमारी बजट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं। अब अन्य योजनाएं हैं सितंबर माह की, देखते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री व्यापारियों के लिए पेंशन योजना शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना व्यापारियों के लिए केंद्रीय पेंशन योजना का शुभारंभ करेंगे। देश भर के कुल पहले ग्राहकों को पीएम द्वारा पेंशन कार्ड दिया जाएगा। यह योजना जो कि पीएम श्रम योगी मानधन योजना का विस्तार है, सभी लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु के बाद मासिक योगदान के आधार पर 3,000 रुपये की मासिक पेंशन को लिए पात्र बनाती है। फिर अपनी याद रखिए सरकार द्वारा अद्यतन क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी योजना, केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को पूंजी के की अनुमति देने के लिए अपडेटेड क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम लॉन्च की है। केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी और एमएसएमईएस के विलंबित भुगतान पर 2 दिवसीय कार्यशाला के दौरान क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी वेब पोर्टल को फिर से लॉन्च किया है। इस कार्यशाला के दौरान 11 नोडल बैंकों के साथ एमएसएमई मंत्रालय के विकास आयुक्त के कार्यालय द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह निर्दिष्ट 51 उपक्षेत्रों में एमएसएमई द्वारा प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए 1 करोड़ रुपए तक अतिरिक्त निवेश के लिए 15% सब्सिडी प्रदान करता है। अब पुनः लॉन्च की गई योजना में SC/ST उद्यमियों के लिए अतिरिक्त 10% की सब्सिडी, जबकि 117 आकांक्षा पूर्व जिलों, पूर्वोत्तर क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए। साथ ही IIT खड़गपुर द्वारा पड़ोसी क्षेत्र में शैक्षणिक संस्थानों की सहायता, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर को केंद्र द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक अत्याधुनिक विश्लेषणात्मक और तकनीकी सहायता संस्थान की स्थापना के लिए चुना गया। केंद्र ने इस उद्देश्य के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 से शुरू की अवधि में 25 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। साथ ही एक अत्याधुनिक पेशेवर रूप से प्रबंधित विज्ञान और प्रौद्योगिकी अवसंरचना सुविधा, इसका प्राथमिक उद्देश्य पड़ोसी क्षेत्रों में शैक्षणिक संस्थानों की मदद करना है। अब देखते हैं अगस्त माह की कुछ महत्वपूर्ण परियोजना योजना। पंजाब सरकार ने महात्मा गांधी सर्वत सेवा योजना, बीमा योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की। पंजाब की राज्य सरकार ने अपने स्वयं के साथ केंद्र की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को जोड़कर गरीबों के लिए महात्मा गांधी सर्वत
समीवा योजना एक मेगा हेल्थ इंश्योरेंस शुरू किया है। सितंबर 2018 में केंद्र द्वारा PMJAY का अनावरण किया गया और पंजाब सरकार द्वारा अब इसे जारी रखा गया। यह योजना पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 75वीं जयंती के अवसर पर शुरू की गई है। इस योजना के शुभारंभ के साथ पंजाब अपनी आबादी के इतने बड़े अनुपात के लिए चिकित्सा बीमा की पेशकश करने वाला पहला राज्य बन गया। अगली हमारी महात्मा गांधी सर्वत सेहत बीमा योजना की, इसमें आयुष्मान भारत या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना गरीबों के लिए केंद्र की स्वास्थ्य बीमा योजना शामिल है। केंद्र की आयुष्मान भारत योजना को अपने MGSSBI के साथ जोड़कर इसके राज्य को 76% आबादी को कवर करने वाले 46 लाख परिवारों को लाभान्वित होने की उम्मीद है। बीमा कवरेज PMJAY की तरह पंजाब सरकार की यह योजना भी 5 लाख वर्ष का प्रति वर्ष का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करेगी। अगली हमारी योजना है सरकार प्रधानमंत्री ने घरों के लिए जल जीवन मिशन योजना की घोषणा की है। कौन सी? जल जीवन मिशन योजना, घरों के लिए पानी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा की सरकार घरों में पानी लाने के लिए जल जीवन मिशन शुरू करेगी। घोषणा लाल किले से अपने छठवें स्वतंत्रता दिवस के दौरान की गई है। संबंधित प्राधिकरण है पेयजल और स्वच्छता विभाग के तहत है। उद्देश्य है भारत में बाहर में स्थायी जल आपूर्ति प्रबंध के अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अन्य केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं के साथ अभिसरण करना चाहता है। अगला है मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। कौन सी? मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। उपाध्यक्ष ने अपने किसानों के लिए झारखंड सरकार की वित्तीय सहायता कार्यक्रम शुरू किया है। झारखंड राज्य की योजना के तहत श्री वेंकैया नायडू द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना 1 करोड़ 1 एकड़ से 5 एकड़ से कम के खेत वाले किसानों लाभार्थियों को 5,000 से 25,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। लॉन्चिंग समारोह रांची के अलावा 23 जिलों में आयोजित किया गया था। इस योजना से सितंबर अक्टूबर तक लगभग 35 लाख किसान लाभान्वित होंगे। परिव्यय 3,000 करोड़ रुपये है। यह योजना उन लाभों से अलग है जो किसानों को प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत मिल रहे हैं। फिर अपना समर्थ योजना। कपड़ा मंत्रालय के साथ 16 राज्यों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। 18 चयनित राज्यों में से 16 राज्यों ने केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जो कपड़ा क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए योजना समर्थ के हिस्से के रूप में लगभग 4 लाख श्रमिकों को कौशल प्रदान करता है। 16 राज्यों ने जिन समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए उनमें अरुणाचल प्रदेश, केरल, मिजोरम, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, कर्नाटक, मणिपुर, हरियाणा, मेघालय और झारखंड, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और उड़ीसा पहले बोर्ड में शामिल होने के लिए सहमत हुए थे लेकिन MOU पर हस्ताक्षर नहीं किए। कपड़ा क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए योजना समर्थ यह केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय की कौशल विकास योजना है जो संगठित क्षेत्र में स्पिनिंग एंड वीविंग को छोड़कर कपड़ा क्षेत्र की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को शामिल करती है। इसे दिसंबर 2017 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था। अगली हमारी फ्लिपकार्ट ने स्वदेशी कारीगरों के उत्पादों को अपने मंच पर लाने के लिए पहल शुरू की है। ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने समर्थ बुनकरों और कारीगरों और हस्तशिल्प के निर्माताओं को अपने मंच पर लाने की पहल शुरुआत की है। फ्लिपकार्ट समर्थ ऐसे कारीगरों और बुनकरों इत्यादि का समर्थन करेगा। अगला हमारी उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने लघु बचत प्रोत्साहन योजना शुरू की। उड़ीसा सरकार ने कैलेंडर वर्ष 2019 के लिए AQ श्रृंखला के तहत उड़ीसा लघु बचत प्रोत्साहन योजना का अनावरण किया। योजना का उद्देश्य लोगों को संदिग्ध
और गैर बैंकिंग निजी वित्तीय संस्थानों के साथ लेनदेन करने से रोकना। अगली, हमारी केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री समागम शिक्षा जल सुरक्षा अभियान शुरू करेगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री देश में सभी स्कूली छात्रों के लिए बीच जल संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए समागम शिक्षा जल सुरक्षा का शुभारंभ करेगा, ताकि वे हमारे राष्ट्र के सक्षम कर्तव्यनिष्ठ और प्रतिबद्ध जल नागरिक बन सके। योजना के 5 प्रमुख उद्देश्य हैं। छात्रों को शिक्षित करने के लिए पानी के संरक्षण के बारे में जाने, फिर पानी की कमी के प्रभाव के बारे में छात्रों को संवेदनशील बनाना, फिर पानी के प्राकृतिक स्रोतों की रक्षा करने के लिए सीखने के लिए छात्रों को सशक्त बनाना, फिर प्रत्येक छात्र को प्रतिदिन कम से कम 1 लीटर पानी बचाने में मदद करना, घर और स्कूल स्तर पर छात्रों को विवेकपूर्ण उपयोग और पानी की न्यूनतम बर्बादी के लिए प्रोत्साहन करना। अभियान के लक्ष्य के तहत लक्ष्य देखते हैं। 1 छात्र 1 दिन 1 लीटर पानी बचाए, 1 छात्र 1 साल 365 दिन 65 लीटर पानी बचाए, 1 छात्र 10 साल में 3650 लीटर पानी बचाए। अगली, हमारे 5595 इलेक्ट्रिक बसें फैम योजना के तहत स्वीकृत। भारी उद्योग विभाग ने फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल भारत योजना के तहत सेकंड चरण के सेकंड के तहत 5595 इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी दी है। सार्वजनिक परिवहन में स्वच्छ गतिशीलता के लिए पुश करने के लिए 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 64 शहरों में बसों को मंजूरी दी गई है। अब है हमारा वन नेशन वन राशन कार्ड को 1 जून 2020 तक भारत में शुरू किया जाएगा। वन नेशन वन राशन कार्ड 1 जून 2020 से भारत में शुरू किया जाएगा। इस योजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए केंद्र ने राशन कार्ड की अंतर राज्य पोर्टेबिलिटी को 2 राज्यों को जोड़ते हुए शुरू किया है। योग तेलंगाना आंध्र प्रदेश के साथ महाराष्ट्र गुजरात के बीच बनाया। इसका मतलब यह है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में रहने वाले लाभार्थी सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसे राशन की दुकान भी कहते हैं, कि राशन कार्ड दुकान में अपना राशन खरीद सकते हैं। अगली, हमारी KBIC ने विश्व आदिवासी दिवस चमड़ा मिशन की शुरुआत की। खादी और ग्रामोद्योग ने विश्व आदिवासी दिवस पर चमड़ा मिशन लॉन्च किया है। इस मिशन के तहत आयोग देश भर में चमड़ा कारीगरों को चमड़े की किट देगा। विश्व आदिवासी दिवस हर साल 9 अगस्त को, याद रखिए 9 अगस्त को मनाया जाता है। 2019 का विषय रहा है स्वदेशी भाषा। अब अपनी जुलाई की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं। PM श्रम योगी महाधन योजना, इसके तहत नामांकित 30 लाख से अधिक व्यक्ति हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी महाधन योजना के तहत कुल 30,85,205 व्यक्तियों का नामांकन किया गया। असंगठित श्रमिकों के लिए स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना लाभान्वित है। इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु होने के बाद लाभार्थियों को 3,000 रुपये की न्यूनतम मासिक पेंशन का आश्वासन दिया गया। अगला है हमारा PMKSNY के तहत 7,32,00,000 से अधिक किसान परिवारों को प्रत्येक 2,000 रुपये की पहली 2 किस्तें मिली। प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के तहत पूरे भारत में 7,32,00,000 से अधिक किसान परिवारों को 20,000 रुपये की पहली और दूसरी किस्त 14,676 करोड़ रुपये मिली है। सूची में उत्तर प्रदेश द्वारा 2,20,00,000 से अधिक किसान परिवारों के साथ, आंध्र प्रदेश 72,00,000 और महाराष्ट्र में 50,00,000 किसानों के साथ शीर्ष स्थान पर है। तो याद रखिए उत्तर प्रदेश, फिर अपना जहाँ आंध्र प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। अगला है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने उच्च शिक्षा के लिए नई UGC योजना परामर्श शुरू किए। 19 जुलाई 2019 को रमेश पोखरियाल ने संघ केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के परामर्श नामक एक योजना शुरू नई दिल्ली में किए। इस योजना का उद्देश्य उच्च शिक्षा में गुणवत्ता आश्वासन विकसित करने के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन और मूल्यांकन परिषद मान्यता आकांक्षी संस्थाओं का उल्लेख करना। इस योजना के तहत प्रमुख परामर्श संस्थान उच्च गुणवत्ता मानकों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए कॉलेजों को नियमित परामर्श प्रदान करेगी। सलाह के लिए उन्हें वित्तीय सहायता मिलेगी और एक विशेषज्ञ को नियुक्त करने का विकल्प भी होगा।
जिन्हें प्रति माह 31,000 रुपये की फेलोशिप राशि भुगतान किया जाएगा। भारत मुक्ति जोधा के वारिस को छात्रवृत्ति देगी। भारत सरकार अगले 5 वर्षों में न्यूनतम भारत बांग्लादेश मैत्री मुक्ति जोध सौतन छात्रवृत्ति योजना के तहत बांग्लादेश के मुक्त मुक्ति संग्राम सेनानियों के वारिसों के लिए 10,000 छात्रवृत्ति प्रदान करेगी। फिर अपने UKIERI मोबिलिटी प्रोग्राम, भारत में अध्ययन UKIERI मोबिलिटी प्रोग्राम भारत में अध्ययन के लिए भारत और यूके ने एक साथ साथ हाथ मिलाए, जो कि यूके के छात्रों को उच्च अध्ययन के लिए भारत आने की अनुमति देगा। ब्रिटिश काउंसिल ऑफ इंडिया और यूनिवर्सिटी यूके इंटरनेशनल ने UKIERI मोबिलिटी प्रोग्राम के लॉन्च के लिए एक साथ हाथ मिलाया है। इसका उद्देश्य मार्च 2021 तक ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों में स्नातक छात्रों के लिए 2,000 अवसर पैदा करना है, ताकि वे भारत का दौरा कर सकें। कार्यक्रम यूके के और भारत सरकार द्वारा यूके के यूके इंडिया एजुकेशन रिसर्च इनिशिएटिव के चरण 3 के भाग के रूप में वित्त पोषित किया जाएगा। अगली हमारी, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने दीक्षारंभ का शुभारंभ किया है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने नई दिल्ली में छात्र प्रेरण कार्यक्रम दीक्षारंभ के लिए UGC मार्गदर्शिका जारी की है। छात्र प्रेरण कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शिका नए छात्रों को नए वातावरण में समायोजित करने और आरामदायक महसूस करने में मदद करने के लिए। इसका उद्देश्य उन्हें संस्थानों के लोकाचार और संस्कृति में विकसित करना है, अन्य छात्रों और संकाय सदस्यों के साथ संबंध बनाने में उनकी मदद करें और उन्हें उद्देश्य एवं आत्म अन्वेषण की भावना से उजागर करें। अगली हमारी, इंडिया साथी कार्यक्रम पंजाब उड़ीसा तक विस्तारित किया गया जाएगा। गूगल इंडिया और टाटा ट्रस्ट की पहल का उद्देश्य ग्रामीण भारत में महिलाओं के बीच डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना, जिसका नाम इंटरनेट साथी है। इस पहल का विस्तार पंजाब उड़ीसा के गांवों तक किया जाएगा। यह कार्यक्रम अब 20 राज्यों में 2.6 लाख गांवों तक पहुंच गई है। पंजाब में यह कार्यक्रम लगभग 5,000 गांवों को शामिल करेगा। उड़ीसा में 16,000 से अधिक गांवों को शामिल करेगा। अगला हमारा, बांग्ला आवास योजना। पश्चिम बंगाल सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए बांग्ला आवास योजना के तहत 8,30,000 घर बनाने का फैसला किया है। इस योजना के तहत ग्रामीण विकास विभाग ने 14 लाख से अधिक घरों का निर्माण किया जाएगा। अगला है, स्वास्थ्य मंत्रालय नई दिल्ली में जन जागृति अभियान शुरू किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने नई दिल्ली में जन जागृति अभियान नाम से 3 दिन का विशेष अभियान चलाया है। अपना उड़ान योजना, उड़ान योजना में 8 और हवाई मार्ग जोड़े गए। नगर विमानन मंत्रालय ने क्षेत्रीय वायु संपर्क योजना उड़ान उड़े देश का आम नागरिक के तहत 8 और हवाई मार्गों को जोड़ने की घोषणा की है। ये हवाई मार्ग क्रियाशील हो गए हैं, परिचालन शुरू कर दिया है। 8 नए मार्गों को जोड़ने के साथ देश में अब चलने वाले कुल उड़ान मार्ग में 194 हो गए हैं। उड़ान के बारे में बात करें तो उड़ान या उड़े देश का आम नागरिक एक क्षेत्रीय संपर्क योजना है। यह 21 अक्टूबर 2016 को क्षेत्रीय हवाई संपर्क को प्रोत्साहित करने और हवाई यात्रा को जनता के लिए सस्ती बनाने की योजना थी। इसका उद्देश्य पूरे भारत में अनारक्षित और अयोग्य हवाई अड्डों को जोड़ने के अलावा उड़ान को सस्ता बनाना है। अपना है पेंसिल केंद्रीय श्रम पेंसिल पोर्टल। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री ने लोकसभा को सूचित किया है कि बाल श्रम की 361 शिकायतों को पेंसिल पोर्टल के माध्यम से हल किया जाएगा। पेंसिल पोर्टल के बारे में बात करें तो यह बाल श्रम अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी परिवर्तन और राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना योजना को सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए 26 सितंबर 2017 को प्रभावी परिवर्तन के लिए एक अलग ऑनलाइन पोर्टल प्लेटफॉर्म है। अगली बात करते हैं हम लोग, YouTube ने शैक्षणिक वीडियो के लिए YouTube लर्निंग प्लेलिस्ट शुरू की है। YouTube गणित विज्ञान संगीत और भाषा जैसे विषयों पर शैक्षणिक वीडियो के लिए समर्पित लैंडिंग पेजों के साथ एक नई शिक्षा सुविधा लर्निंग प्लेलिस्ट ला रहा है। YouTube लर्निंग फंड पहल के
माध्यम से शैक्षणिक रचनाकारों और संगठनों के लिए संसाधनों का वित्त पोषण करने के लिए 20 मिलियन डॉलर का निवेश कर रहा है। अगली हमारी श्रम मंत्रालय द्वारा शुरू की गई PMLVMY योजना। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा खुदरा विक्रेताओं और छोटे व्यापारियों के लिए प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना का शुभारंभ किया है। यह योजना 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद छोटे दुकानदारों, खुदरा व्यापारियों और स्वयं नियोजित लोगों को न्यूनतम 3,000 प्रति माह की न्यूनतम पेंशन प्रदान करेगी। यह प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन का विस्तार है। इसमें पात्रता होंगे स्वयं नियोजित लोग, छोटे दुकानदार और खुदरा व्यापारी जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच हो और माल सेवा कर GST 1.5 करोड़ रुपए से कम है। इस योजना का लाभ उठा सकेंगे ये लोग। अगला हमारा दीनदयाल अंत्योदय योजना। 23 जुलाई 2019 केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि मंत्रालय देश भर में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को लागू करेगा। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में संगठित करना और गरीबी से बाहर आने तक आर्थिक गतिविधियों को लेने के लिए उनका लगातार समर्थन करना है। उनकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए आय में वृद्धि के अच्छे स्तर पर पहुंचाना है जिंदगी। अगला राष्ट्र इसी में राष्ट्रीय अभियान मिशन 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में शुरू की गई थी की गई गरीबी उन्मूलन योजना है और इसे वर्ष 2016 में दीनदयाल अंत्योदय योजना द्वारा सफल किया गया। अब अपना कौशल युवा संवाद। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई मनाने और कौशल भारत विश्व मिशन की 34वीं वर्षगांठ मनाने के लिए केंद्रीय कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय ने यू कौशल युवा संवाद का शुभारंभ नई दिल्ली में किया है। इसका उद्देश्य सभी कौशल प्रशिक्षण केंद्रों के युवाओं के साथ उनके विचारों और अवसरों और सिफारिशों को सुनने के लिए एक खुला संवाद बनाने के उद्देश्य से कौशल विकास मंत्रालय को मौजूदा कार्यक्रमों को बढ़ाने और चालू परियोजना की एक समग्र दक्षता में सुधार करने में मदद करना है। WCD ने मुश्किल परिस्थितियों में महिलाओं के लिए स्वधार गृह योजना शुरू की है। भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के पुनर्वास के लिए स्वधार गृह योजना लागू कर रहा है ताकि वे अपने जीवन में को गरिमा के साथ आगे बढ़ा सकें। अगला हमारा PMJAY के तहत सेवाओं की डिलीवरी को कारगर बनाने के लिए नेट हेल्थ के साथ सरकार ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। आयुष्मान भारत की कार्यान्वयन एजेंसी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण सेंटे की फ्लैगशिप हेल्थ केयर स्कीम ने हेल्थ केयर फेडरेशन ऑफ इंडिया के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए ताकि आयुष्मान भारत के तहत डिलीवरी सेवाओं को सुव्यवस्थित किया जा सके। आयुष्मान भारत के बारे में बात करें तो आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना स्वतंत्रता दिवस 2018 पर PM श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। योजना का नाम बदलकर PM जन आरोग्य योजना रखा गया है। योजना का उद्देश्य 10 लाख गरीब परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए प्रति परिवार के लिए 1,354 प्रक्रियाओं के लिए कैशलेस अस्पताल में भर्ती का लाभ प्रदान करना है। इसमें निवारण और सहयोगी स्वास्थ्य दोनों शामिल है। अगला हमारे हरियाणा द्वारा किसानों के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल शुरू किया गया। हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसानों के लिए उनकी भूमि और फसल से संबंधित विवरणों को स्वतः जारी करने के बाद राज्य सरकार की फसल संबंधी योजना का सीधा लाभ उठाने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा नामक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। अगला है सोवरन गोल्ड बॉन्ड योजना। भारत सरकार ने 8 जुलाई को शुरू होने वाले सोवरन गोल्ड बॉन्ड की नई श्रृंखला के लिए कीमत 3443 रुपए प्रति ग्राम तय की है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की है कि भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से केंद्र सरकार ने ऑनलाइन आवेदन करने वाले आवेदन पर डिजिटल माध्यम से भुगतान करने वाले निवेशकों को अंकित मूल्य पर 50 रुपए प्रति ग्राम की छूट देने का फैसला किया है। इसका तात्पर्य यह है कि ऐसे निवेशकों के लिए गोल्ड बॉन्ड का अंकित मूल्य 3,393 रुपए प्रति ग्राम होगा।
सोवरन गोल्ड भारत सरकार द्वारा नवंबर 2015 में वास्तविक सोने की मांग को कम करने और घरेलू बचत के एक हिस्से को स्थानांतरित करने के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया था, जिसका उपयोग वित्तीय बचत में सोने की खरीद के लिए किया गया था। एसजीबी योजना के तहत ब्रांड को बॉन्ड को 1 ग्राम सोने की इकाइयों और उनके गुणजों में दर्शाया जाएगा जाता है। न्यूनतम निवेश ब्रांड बॉन्ड में न्यूनतम निवेश 1 ग्राम और अधिकतम अंशदान सीमा 500 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वित्तीय वर्ष है। अधिकतम सीमा 1 व्यक्ति और हिंदू अविभाजित परिवार के लिए अधिकतम अंशदान सीमा 4 किलोग्राम और ट्रस्टों तथा समान संस्थाओं के लिए प्रति वित्तीय वर्ष अधिकतम अंशदान सीमा 20 किलोग्राम है। यूजीसी ने भारत में अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए स्ट्राइड को मंजूरी दी है। एक योजना है स्ट्राइड। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारत में अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए स्कीम फॉर ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडिया डेवलपिंग इकोनॉमी को मंजूरी दी है। स्ट्राइड का पूरा नाम स्कीम फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडिया डेवलपिंग इकोनॉमी है। यह उन संसाधनों अनुसंधान परियोजनाओं को सहायता प्रदान करेगा जो सामाजिक रूप से प्रासंगिक और स्थानीय स्तर पर आवश्यक है, राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण और विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण है। यूजीसी उपाध्यक्ष भूषण पटवर्धन की अध्यक्षता में यूजीसी द्वारा गठित एक सलाहकार समिति पूरी योजना की देखरेख करेगा। 1 जुलाई 2020 से वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड एक योजना 1 जुलाई 2020 से पूरे देश में उपलब्ध होगी। योजना खाद्य सुरक्षा लाभों को सहजता से प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करेगी, जिसका अनुसार गरीब प्रवासी श्रमिक राशन कार्ड के आधार से लिंक होने के पर देश में किसी भी राशन की दुकान से सब्सिडी वाले चावल और गेहूं खरीद सकेंगे। अगला है हमारा जल शक्ति अभियान। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हाल ही में जल शक्ति अभियान की शुरुआत की। यह अभियान 256 जिलों के 1592 ब्लॉकों में जल संरक्षण और सुरक्षा के लिए है। यह विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों का एक सहयोगात्मक प्रयास है, जिसे पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा समन्वित किया जाएगा। अगला हमारा उत्तर प्रदेश सरकार ने AES और JEE को मिटाने के लिए दस्तक अभियान शुरू किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने घातक एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम और जापानी इंसेफ्लाइटिस बीमारी को जड़ से मिटाने के लिए दस्तक, याद रखिए दस्तक नामक एक बड़ा अभियान। तो याद रखिए दस्तक नामक अभियान कहाँ से, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। पश्चिम बंगाल सरकार ने किसानों के लिए मुफ्त फसल बीमा योजना बांग्ला शस्य बीमा शुरू की है। 28 जून 2019 को पश्चिम बंगाल सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए नुकसान से किसानों को बचाने, बाजार की अस्थिर कीमतों की स्थिति में एक निश्चित आय प्रदान करने के लिए 2019 खरीफ फसल हेतु एक फसल बीमा योजना बांग्ला शस्य बीमा शुरू की है। अगला हमारा गो ट्राइबल अभियान की शुरुआत। अमेजन ग्लोबल के सहयोग से केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय और ट्रिफेड भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन विकास महासंघ द्वारा शुरू किया गया है। एक ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ट्राइब्स ऑफ इंडिया हेरिटेज कलेक्शन के खंड के तहत ट्राइब्स इंडिया के संग्रह का विक्रय करेगी। इसका उद्देश्य 700 से अधिक भारतीय जनजातियों के सामाजिक आर्थिक कल्याण में सहायता करने के साथ साथ जनजातीय कला और शिल्प के प्रति जागरूकता पैदा करना और इसे बढ़ावा देना है। ट्राइफेड के बारे में बात करें तो यह ट्राइफेड केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्रालय के तत्वाधान में कार्य करने वाला एक संगठन है और यह ट्राइब्स इंडिया ब्रांड नाम के तहत आदिवासी कला और शिल्प से आदिवासी उत्पादों के विपणन विकास में कारगर है। अब अपना जून जून कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम किसान के विस्तार को मंजूरी दी है। सरकार ने केंद्र के सभी किसानों को प्रधानमंत्री किसान निधि का विस्तार दिया है। पहले यह योजना का लाभ 2 हेक्टेयर भूमि वाले किसानों के लिए लागू था। 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पीएम
मोदी ने यह योजना शुरू की थी। योजना की मुख्य बातें, लक्ष्य। इस योजना को शुरू करने का सरकार का मुख्य उद्देश्य वित्तीय सहायता प्रावधानों द्वारा किसान का विकास, जिसका उपयोग किसान द्वारा हर फसल उत्पादन में बढ़ाने में किया जा सकता है। योजना का लाभ सरकार के मानदंडों के अनुसार जो किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष, 500 रुपये प्रति माह की प्रत्यक्ष आय सहायता का लाभ मिलेगा। यह नीति उपयुक्त भूमि धारक SMF परिवारों के आधार लिंक बैंक खाते में हर 4 महीने में 2,000 रुपये 3 समान किस्तों के माध्यम से सीधे लाभार्थी किसानों और किसान के बैंक खातों में स्थानांतरित किए जाएंगे। पशुपालन और मत्स्य पालन करने वाले किसानों के लिए 2% ब्याज की वित्तीय सहायता। गंभीर प्राकृतिक आपदा में बुरी तरह प्रभावित उन सभी किसानों को 2% ब्याज की वित्तीय सहायता मिलेगी जो किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण लेंगे और फसल ऋणों के समय पुनर्भुगतान पर अतिरिक्त 3% ब्याज की आर्थिक सहायता। निधि आवंटन की बात करें तो सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020 के लिए योजना में 75,000 करोड़ रुपये आवंटित किए। इस वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान पात्र लाभार्थियों को पहली किस्त 1 दिसंबर 2018 से 1 मार्च 2019 तक अवधि के लिए होगी। अगला है हमारा प्रधानमंत्री मंत्री किसान पेंशन योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों को पेंशन सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक नई केंद्रीय कार्यक्षेत्र योजना प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना की मंजूरी दी है। योजना की मुख्य विशेषताएं, यह देश भर के सभी लघु एवं सीमांत किसानों के लिए स्वैच्छिक एवं अंशदायी पेंशन योजना है। इसकी पात्रता है 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपये की न्यूनतम निश्चित पेंशन के प्रावधान के साथ 18 से 40 वर्ष की आयु प्रवेश आयु है। अंशदान, इस योजना के लाभार्थी किसान को 29 वर्ष की औसत आयु में 100 रुपये प्रति माह का अंशदान देना आवश्यक है। सरकार ने DBT जनजातीय वेब लॉन्च पोर्टल लॉन्च किया। केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्रालय ने लाभार्थी छात्रों को के बैंक खाते में छात्रवृत्ति अनुदान सीधे पहुंचाने की प्रक्रिया को कारगर बनाने और तेजी करने के लिए DBT जनजातीय वेब पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल राज्यों को लाभार्थी से संबंधित डेटा अपलोड करने, प्रश्न पूछने और प्रतिक्रिया देने के लिए एकल साझा मंच प्रदान करता है। जनजाति कल्याण योजनाओं के लिए ई शासन पहल। केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित एक समारोह में जनजाति कल्याण योजनाओं के लिए ई शासन पहल की शुरुआत की है। ई शासन पहल देश भर में आदिवासी समुदाय की बेहतरी के उद्देश्य को पूरा करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय रक्षा कोष छात्रवृत्ति सहायता में वृद्धि की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय रक्षा कोष के तहत मृत रक्षा कर्मियों के आश्रितों के लिए प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना में परिवर्तन की मंजूरी दी है। इसकी प्रमुख बातें हैं, छात्रवृत्ति दर, लड़कों के लिए छात्रवृत्ति की दर 2,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दी गई। लड़कियों के लिए 2,250 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह कर दी गई। विस्तारित छात्रवृत्ति, प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना के तहत दायरे को अब उन राज्य पुलिस अधिकारियों के आश्रयों तक विस्तारित किया गया है जो आतंकी या नक्सलवादी हमलों के दौरान शहीद हुए या हो गए हों गए थे। राज्य पुलिस अधिकारियों के आश्रितों के लिए नया छात्रवृत्ति कोटा 1 वर्ष में 500 हो जाएगा। नोडल मंत्रालय इसका कार्यान्वयन के लिए गृह मंत्रालय नोडल मंत्रालय होगा। राष्ट्रीय रक्षा कोष के बारे में जानकारी दें तो NDF की स्थापना 1962 में हुई थी। राष्ट्रीय रक्षा कोष की स्थापना 1962 में की गई थी। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय रक्षा प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए प्राप्त स्वैच्छिक दान, नगद और किसी अन्य प्रकार में का प्रभाव लेना और उनके उपयोग पर निर्णय लेना। राष्ट्रीय रक्षा कोष ऑनलाइन स्वैच्छिक अंशदान भी स्वीकार करेगा करता है। NDF का उपयोग सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और रेलवे सुरक्षा बल के सदस्यों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए किया जाता है। प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना के NDF के तहत लागू की गई है। राष्ट्रीय रक्षा कोष को एक कार्यकारी समिति
प्रबंधित किया जाता है, जिसके अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री और सदस्य के रूप में रक्षा, वित्त और गृह मंत्री शामिल होते हैं। अगली, हमारी सरकार ने व्यापारियों के लिए मासिक पेंशन योजना को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद छोटे खुदरा व्यापारियों, दुकानदारों के लिए 3,000 रुपए मासिक पेंशन योजना की मंजूरी दी है। योजना की मुख्य बातों के बारे में बात करें तो इस योजना के तहत सभी छोटे दुकानदार, खुदरा व्यापारियों, स्वरोजगार वाले व्यक्तियों को 60 वर्ष की आयु होने के बाद न्यूनतम 3,000 रुपए मासिक पेंशन सुनिश्चित की जाती है। व्यापारिक समुदाय को पेंशन सुविधा देन प्रदान करने वाली नई पेंशन योजना में 3 करोड़ छोटे खुदरा व्यापारियों और दुकानदार शामिल होंगे। पात्रता होगी 1.5 करोड़ रुपए से कम माल और सेवा कर कारोबार के साथ 18 से 40 वर्ष की आयु के सभी छोटे दुकानदारों और स्वरोजगार वाले व्यक्तियों खुदरा व्यापारी पेंशन योजना के लिए नामांकन कर सकते हैं। अगला है, हमारे मंत्रिमंडल ने FMD ब्रुसेलोसिस को नियंत्रित करने के लिए नई पहल को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पशु धन पालक किसानों की सहायता, पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार हेतु पैर एवं मुंह के रोग FMD और ब्रुसेलोसिस को नियंत्रित करने के लिए नई पहल को मंजूरी दी है। इस पहल का उद्देश्य अगले 5 वर्षों में देश में मवेशियों के बीच इन बीमारियों को पूरी तरह से नियंत्रित करना, बाद में इन बीमारियों को खत्म करना है। मंत्रिमंडल ने इस योजना के लिए 13,343 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय को मंजूरी दी और पूरी लागत अब केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाएगी। अगला, हमारा आपकी बेटी योजना। राजस्थान सरकार ने आपकी बेटी योजना के तहत स्कूली लड़कियों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में वृद्धि की है। आपकी बेटी योजना के तहत राज्य में गरीबी रेखा से नीचे की लड़कियों, जिनके माता या पिता दोनों की मृत्यु हो गई है, को वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई करने वाली लड़कियों के लिए धनराशि 1100 से बढ़ाकर 2100 रुपये और कक्षा 9 से 12 तक की लड़कियों के लिए धनराशि 1500 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दी गई है। इसी तरह सरकार ने चुनाव और ड्यूटी पर मारे गए अधिकारियों के परिजन को अनुग्रह भुगतान 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया। तेलंगाना ने रायतु बंधु योजना को प्रति व्यक्ति 5,000 रुपये प्रति एकड़ तक बढ़ाया है। तेलंगाना सरकार ने रायतु बंधु योजना को वर्ष 2019-20 तक बढ़ाने के लिए अधिसूचना जारी की, जबकि धनराशि को 4,000 से 5,000 रुपये तक बढ़ाया गया। योजना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं हम लोग। इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी फसलों की आय सहायता प्रदान करना है। यह योजना प्रत्येक मौसम में बीज, उर्वरक, कीटनाशक, स्वयं और अन्य कृषि कार्यों जैसे निवेश की खरीद के लिए प्रति किसान 5,000 रुपये प्रति एकड़ के अनुदान के माध्यम से कृषि और बागवानी फसलों को प्रारंभिक निवेश सहायता प्रदान करती है। सभी पट्टेदारों और स्वामित्वधारियों को RBI भुगतान प्लेटफॉर्म ईकोवेर के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण द्वारा धनराशि का भुगतान किया जाएगा। वर्ष 2018 में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव द्वारा योजना शुरू की गई थी। अब फिर इसकी बात कर लेते हैं कुछ मई की योजनाओं की। हनी मिशन, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने अपनी हनी मिशन पहल के तहत 2 वर्ष से कम समय में पूरे भारत में किसानों और बेरोजगार युवाओं के बीच 1 लाख से अधिक बी बॉक्स वितरित किए। हनी मिशन के बारे में इसे अगस्त 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वीट रेवोल्यूशन शहद उत्पादन में वृद्धि की क्रांति के लिए वर्ष 2016 में गुजरात में दिशा बनास सरद परियोजना को शुरुआत करने के दौरान लॉन्च किया है। इस परारो परियोजना, भारत सरकार ने इस परारो में वार्षिक अदायगी मूल्यांकन रिपोर्ट के ऑनलाइन लेखन के लिए पूरे भारत में विभिन्न पदों पर काम कर रहे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क के समूह बी और समूह सी के 46,000 से अधिक अधिकारियों हेतु प्रोजेक्ट इस परारो CBIC लागू किया है। इस परारो शब्द का पूरा नाम है स्मार्ट परफॉर्मेंस एप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो। अब बात करते हैं हम लोग मई के हो गए, मई की परियोजना मुख्य परियोजना हुई। अब हम बात करते हैं अप्रैल के
की मुख्य परियोजनाओं के बारे में। पश्चिम बंगाल की उत्कर्ष बंगला और सबुज साथी योजनाओं को वैश्विक मान्यता प्राप्त हुई है। पश्चिम बंगाल सरकार की योजना उत्कर्ष बंगला और सबुज साथी छात्रों के लिए साइकिल ने संयुक्त राष्ट्र के सूचना समाज पुरस्कारों पर विश्व शिखर सम्मेलन जीता है। उत्कर्ष बंगला योजना को सर्वोच्च पुरस्कार मिला और यह क्षमता निर्माण श्रेणी में एक विजेता के रूप में उभरी और सबुज साथी को ICT आवेदन ई सरकार श्रेणी के तहत एक चैंपियन परियोजना के रूप में पहले 5 में स्थान दिया गया। उत्कर्ष बंगला योजना का उद्देश्य स्कूल छोड़ने वाले को व्यवसायिक शिक्षण प्रदान करना है और योजना के लाभार्थियों को ड्राइविंग, टेलरिंग, टेलीविजन की मरम्मत, अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ब्यूटीशियन पाठ्यक्रम आदि का प्रशिक्षण दिया जाएगा। सबुज साथी है, ये सबुज साथी पश्चिम बंगाल सरकार की एक योजना है जो 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को सरकार द्वारा संचालित और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और मदरसों में साइकिल वितरण प्रदान करने के लिए। यह योजना सितंबर 2015 में शुरू की गई थी। अगली हमारी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY। केंद्रीय पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 5-7 करोड़ LPG कनेक्शन सौंपे। महत्वपूर्ण बातें इसकी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की। PMUY 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों को स्वास्थ्य को स्वच्छ खाना पकाने की ईंधन LPG प्रदान करने उनकी सुरक्षा करना है। इस योजना के तहत BPL परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की सहायता से LPG कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। कनेक्शन परिवारों की वयस्क महिलाओं के नाम पर प्रदान किया जाता है। मार्च की बात करें, मार्च में जो कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं आई हैं। सरकार कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए परिवहन योजना लाई। सरकार ने यूरोप और उत्तरी अमेरिका के कुछ देशों में कृषि वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि उत्पादों के परिवहन और विपणन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू की है, परिवहन विपणन सहायता योजना। इसके तहत सरकार माल ढुलाई परिवार के एक निश्चित हिस्से की प्रतिभूति करेगी और कृषि उपज के विपणन के लिए सहायता प्रदान करेगी। इस योजना में हवाई और साथ ही समुद्र द्वारा निर्यात के लिए माल ढुलाई विपणन सहायता शामिल है। यह योजना समय समय पर निर्दिष्ट अवधि के लिए लागू होगी। वर्तमान में यह इस वर्ष 1 मार्च से मार्च 2020 तक निर्यात किए गए निर्यात के लिए उपलब्ध है। अगली हमारी ग्राम समृद्धि योजना। विश्व बैंक के और भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित ग्राम समृद्धि योजना ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्रित असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को मजबूत करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा काम किया जा रहा है। महत्वपूर्ण बातें इसकी। विश्व बैंक 1500 करोड़ रुपये देगा। 1000 करोड़ रुपये केंद्र द्वारा वहन किए जाएंगे जबकि राज्य सरकारें 500 करोड़ रुपये लगाएंगी। यह योजना उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब में प्रारंभिक चरण में 5 साल की अवधि के लिए, उसके बाद देश के अन्य राज्यों में चलाई जाएगी। कपड़ा मंत्री ने कपड़ा बुनने वाले क्षेत्र के विकास के लिए योजना शुरू की है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी नई दिल्ली में पावर टेक्स इंडिया के तहत बुनाई और कपड़ा बुनने वाले क्षेत्र के विकास के लिए एक व्यापक योजना शुरू की है। वित्तीय प्रोत्साहन के अलावा 2 प्रमुख अंग यार्न बैंक और सौर ऊर्जा योजना के लिए वित्तीय सहायता है। त्रिपुरा सरकार द्वारा शुरू की गई न्यूतन दिशा। त्रिपुरा सरकार ने तृतीय 8वीं कक्षा में छात्रों के शैक्षणिक स्तर पर का आकलन करने और फिर उनके वर्तमान स्तर में सुधार के लिए नूतन दिशा की घोषणा की है। इसका शुभारंभ राज्य के शिक्षा मंत्री रतन लाल नाथ ने किया है। CCEA ने प्रधानमंत्री G1 योजना को मंजूरी दी है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत प्रधानमंत्री G1 योजना को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य देश में 2G एथेनॉल क्षमता बनाने और इस नए क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने हेतु है। लेग्नोसिलोसिक लोसिक बायोमास और अन्य नवकरणीय फीड स्टॉक का उपयोग करके एकीकृत बायो एथेनॉल परियोजनाओं की वित्तीय सहायता प्रदान करना है। अगली हमारी CCEA ने फेम योजना के चरण 2 को मंजूरी दी। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2022 तक 3 वर्ष में 10,000 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी है, जो दूसरे चरण के फास्टर एडॉप्ट
एंड मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक वाहन योजना के लिए। फेम योजना का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीद पर तेजी से प्रोत्साहन और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक आवश्यक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना के माध्यम से इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। फेम सेकंड सार्वजनिक परिवहन के विद्युतीकरण पर जोर देता है जिसमें साझा परिवहन शामिल है। यह योजना इलेक्ट्रिक बसों के लिए परिचालन व्यय मॉडल को प्रोत्साहित प्रदान करेगी जो राज्य शहर परिवहन निगम के माध्यम से वितरित किए जाएंगे। अगला, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना। उत्तराखंड सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्र में दूध प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना के तहत सरकार राज्य के 20,000 आंगनबाड़ी केंद्रों में 2.5 लाख बच्चों के लिए सप्ताह में 2 बार 100 मिलीलीटर दूध उपलब्ध कराएगी। कर्नाटक की जल मृत योजना। कर्नाटक सरकार ने जल संरक्षण योजना जल अमृत को लॉन्च किया है। नोट, यह योजना जल संरक्षण उपायों पर केंद्रित है जिसमें यह निकायों का संरक्षण और कायाकल्प शामिल है। याद रखिए कर्नाटक की है जल अमृत योजना। पश्चिम बंगाल की युवा श्री अर्पण योजना। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने युवाओं में उद्यमिता को उत्साहित करने के लिए एक नई योजना युवा श्री योजना सेकंड या युवा श्री अर्पण का अनावरण किया है। युवा श्री अर्पण योजना के तहत आईटीआई या अन्य पॉलिटेक्निक संस्थानों से उत्तीर्ण होने वाले लगभग 50,000 युवक युवतियां अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए राज्य एमएसएमई विभाग ने 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्राप्त करने के योग्य होंगे। अब फरवरी माह की देख लेते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सेएस कार्यक्रम शुरू किया। केंद्रीय मानव संसाधन और विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नए स्नातकों को उद्योग विशिष्ट शिक्षुता अवसर प्रदान करने के लिए सेएस कार्यक्रम शुभारंभ किया है। सेएस का अर्थ है शिक्षुता और कौशल में उच्च शिक्षा प्राप्त युवा के लिए योजना। यह एक कार्यक्रम टुकड़ा जिसमें एचआरडी, कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की 3 पहल शामिल है। अगली हमारी उड़ीसा ने खुशी योजना शुरू की है। उड़ीसा मंत्रिमंडल ने राज्य भर में स्कूली लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन प्रदान करने के लिए खुशी योजना को मंजूरी दी है। याद रखिए खुशी योजना उड़ीसा से संबंधित है। इस योजना से सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाली कक्षा 6ठी से 12वीं तक की लगभग 17.25 लाख स्कूली लड़कियों को लाभ प्रदान होगा। सरकार योजना को लागू करने के लिए 5 वर्षों की अवधि में 466 करोड़ रुपए खर्च करेगी। अगली हमारी सीसीईए ने कुसुम योजना को शुभारंभ को मंजूरी दी। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कुसुम किसान ऊर्जा सुरक्षा अभियान उद्यान महाअभियान योजना शुरू करने की मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य 2022 तक 25.75 गीगावाट की सौर ऊर्जा क्षमता को दोहन करके किसानों को वित्तीय और जल सुरक्षा प्रदान करना है। कपड़ा मंत्री ने असम में 2 सिल्क परियोजनाओं का उद्घाटन किया। कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने असम में 2 सिल्क परियोजनाओं सोइल टू सिल्क प्रोजेक्ट और एरी स्पन सिल्क मिल का उद्घाटन किया है। एरी रेशम विकास परियोजना का उद्देश्य दोहरे लक्ष्य के लिए टेपियोका वृक्षारोपण का उपयोग करना है यानी भोजन के लिए कंद और एरी रेशम कीट के लिए पत्तियां। लिया मेरे यूनिसेफ हेड ने पोषण अभियान की शुरुआत की है। पोषण अभियान महिला और बाल विकास मंत्रालय का एक कार्यक्रम है। पोषण अभियान को पोषण मिटाने के प्रयास के वैश्विक मान्यता मिली है। मिशन का उद्देश्य अगले 3 वर्षों के दौरान सम्बद्ध तरीके से 0 से 6 वर्ष किशोरियों गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं से बच्चों की कुपोषण पोषण की स्थिति में सुधार करना है। अगली सरकार ने असम ने सरकार के कर्मचारियों के माता पिता की रक्षा के लिए प्रणाम आयोग की शुरुआत की है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने परिणाम आयोग की घोषणा की है। वह माता पिता की जवाबदेही और मानदंड से संबंधित उत्तरदायित्व और निगरानी विधेयक से संबंधित मुद्दों की देखभाल करें। इस विधेयक का प्रस्ताव अगर माता पिता या अविवाहित विकलांग भाई बहनों के प्रति अनभिज्ञता से संबंधित कोई भी शिकायत है तो कर्मचारियों के वेतन का 10 से 15% सरकार द्वारा काट लिया जाएगा और माता पिता या विकलांग भाई बहन को भुगतान किया जाएगा। अगला, मध्य प्रदेश ने मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना शुरू की है। मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री
युवा स्वाभिमान योजना शुरू की है। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से शहरी युवाओं को हर साल 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देती है। युवाओं के प्रति माह 4,000 रुपये वजीफा मिलेगा और 100 दिन की अवधि के लिए कुल 13,500 रुपये प्रदान किए जाएंगे। इस अवधि के दौरान उन्हें कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे स्वतंत्र हो जाएं। अगला है सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान। गुजरात सरकार ने जल संरक्षण योजना सुजलम सुफलाम जल संचय अभियान का दूसरा संस्करण शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य मानसून से पहले राज्य में जल स्रोतों को गहरा करना और ताकि वर्षा के समय उपयोग किए जाने वाले वर्षा जल के भंडारण को बढ़ाया जा सके। अगला हमारा उड़ीसा सरकार ने किसानों के बच्चों के लिए कालिया छात्रवृत्ति योजना की है। उड़ीसा सरकार ने किसानों के बच्चों के लिए कालिया छात्रवृत्ति शुरू की है। छात्रवृत्ति के तहत कालिया आजीविका और आय वृद्धि के लिए कृषक सहायता योजना उड़ीसा में किसानों के वित्त पोषण के लिए ये योजना है। इसकी मुख्य बातें हैं, इस योजना के तहत उड़ीसा खेती करने वाले और भूमिहीन कृषि के श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने में 2020-21 तक 3 वर्षों में 10,180 करोड़ रुपये खर्च करेगा। सरकार खेती के लिए सहायता के रूप में प्रति परिवार को 10,000 रुपये खरीफ और रबी मौसम में प्रत्येक को 5,000 रुपये 2018-19 और 2021-22 के बीच 5 फसल सीजन के लिए सहायता प्रदान करेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किशोर लड़कियों के लिए योजना शुरू की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किशोर लड़कियों के लिए योजना शुरू की है। ये योजना 11 से 14 वर्ष की आयु की लड़कियों पर केंद्रित है जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है। उनके लिए उन उचित पोषण और विशेष देखभाल के लिए कदम उठाए जाएंगे। मेगा पेंशन योजना। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री श्रम योगी मंथन योजना का शुभारंभ किया है। ये गुजरात के गांधीनगर में वस्त्रालय में किया है। योजना की मुख्य बातें तो उद्देश्य है इसका असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सुनिश्चित मासिक पेंशन योजना। योजना के लाभ की बात करें तो इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की 60 वर्ष की आयु के बाद प्रति माह 3,000 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी। आयु है इसमें सीमा। योजना में निवेश करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम 40 वर्ष। निधि आवंटन की बात करें तो योजना के लिए 500 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई है। मासिक योजना की बात करें, मासिक योगदान योजना का लाभ उठाने के लिए श्रमिकों को न्यूनतम 100 रुपये प्रति माह का योगदान करना होगा। यह नई पेंशन योजना मौजूदा अटल पेंशन योजना के साथ चलेगी जो सेवानिवृत्ति के बाद रिटर्न की गारंटी देती है। इस योजना को 5 वर्षों में असंगठित क्षेत्रों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी पेंशन योजना के रूप में प्रस्तुत किया जाना है। अगली हमारी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने 1 फरवरी 2019 को अंतरिम बजट 2019-20 पेश करते हुए इस योजना की शुरुआत की थी। इस योजना की मुख्य बात है सभी छोटे और सीमांत किसानों को आय सहायता प्रदान करना है। यह योजना किसानों के उस समूह पर विशेष रूप से केंद्रित है जो अपनी फसलों के लिए बहुत कम कृषि क्षेत्र रखते हैं। लक्ष्य इस योजना के शुरू करने का सरकार का मुख्य उद्देश्य वित्तीय सहायता प्रावधानों द्वारा किसानों का विकास है जिसका उपयोग किसान द्वारा हर वर्ष फसल उत्पादन बढ़ाने में किया जा सकता है। योजना के लाभ की बात करें तो सरकार के मानदंडों के अनुसार जो किसान 2 हेक्टर तक भूमि रखते हैं उन्हें 6,000 रुपये प्रति वर्ष की प्रत्यक्ष आय सहायता का लाभ मिलेगा। यह निधि उपयुक्त भूमि धारक एस एम एफ परिवारों के आधार लिंक बैंक खातों में हर साल महीने में 2,000 रुपये की 3 समान किस्तों के माध्यम से सीधे लाभार्थी किसान के बैंक खाते में स्थानांतरित किया जाएगा। पशुपालन और मत्स्य पालन करने वाले किसानों के लिए 2% ब्याज की वित्तीय सहायता। गंभीर प्राकृतिक आपदाओं से पूरी तरह प्रभावित उन सभी किसानों को 2% ब्याज की वित्तीय सहायता मिलेगी जो किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण लेंगे और फसल ऋणों के समय पुनर्भुगतान पर अतिरिक्त 3% ब्याज की आर्थिक सहायता। निधि आवंटन की बात करें तो सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020 के लिए योजना में 75,000 करोड़ रुपये आवंटित किए। पहली किस्त का भुगतान 31 मार्च 2019 तक किया जाएगा। इस वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान पात्र लाभार्थियों को पहली किस्त 1 दिसंबर 2018 से 31 मार्च 2019 तक की अवधि के लिए हुई। अगला है बिहार में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना की शुरुआत हुई है। बिहार सरकार ने 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना मुख्यमंत्री
पेंशन योजना की घोषणा की है। सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त वरिष्ठ नागरिकों को छोड़कर सभी पात्र व्यक्तियों को जाति धर्म समुदाय पर विचार किए बिना 40 रुपए की मासिक पेंशन मिलेगी। यह योजना 1 अप्रैल 2019 से लागू होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 60 वर्ष से अधिक आयु के पत्रकारों के लिए 6,000 रुपए पेंशन की घोषणा की है। अगली हमारे असम में अरुंधति योजना शुरू की गई। असम सरकार ने नववधू को मुफ्त में सोना उपलब्ध कराने के लिए अरुंधति नामक एक नई योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत असम सरकार का लक्ष्य असम के ऐसे सभी समुदायों की दुल्हनों को आज के समय में लगभग 38,000 रुपए का 1 तोला सोना उपलब्ध कराना है, जहाँ शादी के समय सोना देने की प्रथा है। सरकार ने अरुंधति योजना के कार्यान्वयन के लिए 300 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। अब जनवरी 2019 की योजनाओं की बात करें, सरकार ने वोमेनियन ऑन जीएम पहल शुरू की है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने वोमानिया ऑन जीएम पहल की शुरुआत की है, जो महिला उद्यमियों और महिला स्वयं सहायता समूहों को हस्तशिल्प और हथकरघा सहायता उपकरण और कई अन्य उत्पाद को बेचने में सक्षम बनाने की पहल है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस सरकारी मंत्रालय विभाग और CPSE द्वारा आम उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के तत्वाधान में 100% सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है। वोमानिया ऑन जीएम महिला उद्यमियों के लिए अति स्थानीय आर्थिक अवसरों को बढ़ावा देगी। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 5 लैंगिक समानता हासिल करना और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना के तहत बनाना है कि तय लक्ष्यों उद्देश्य को संबोधित करेगी। राधा चौहान गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के वर्तमान सीईओ हैं। दूसरी हमारी प्रधानमंत्री सहज बिजली के हर घर योजना सौभाग्य योजना। 25 राज्यों में सौभाग्य योजना के तहत 100% घरों का विद्युतीकरण हुआ है। देश ने वर्ष के अंत में 25 राज्यों में सभी घरों का विद्युतीकरण करने के साथ ऊर्जा क्षेत्र में एक उपलब्धि हासिल की है। अब केवल 10.48 लाख परिवारों को 4 राज्यों असम, राजस्थान, मेघालय, छत्तीसगढ़ में विद्युतीकृत होना शेष है। केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2019 तक देश में सार्वजनिक घरेलू विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल करने के लिए सितंबर 2017 में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना शुरू की है। छात्रों से संवाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने बेंगलुरु में एक आउटरीच प्रोग्राम छात्रों से संवाद शुरू किया है। SWS पहल के माध्यम से इसरो का लक्ष्य भारतीय युवाओं को अपने वैज्ञानिक स्वभाव के अभिज्ञान के प्रति निरंतर आकर्षित करना है। प्रधानमंत्री आवास योजना। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मध्यम आय वर्ग के लिए ऋण सब्सिडी 31 मार्च 2020 तक बढ़ाने की घोषणा की है। क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना शहरी के तहत एक घटक है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, कम आय वाले ग्रुप की आवश्यक पूर्ति हेतु ब्याज सब्सिडी या मकान के निर्माण विस्तार सुधार उपलब्ध कराती है। CLSS क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना भारत में 2 केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा लागू की जा सक रही है, जिनका नाम है हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कोऑप, नेशनल हाउसिंग बैंक। MIG फर्स्ट के लिए 9 लाख तक की ऋण राशि के लिए 4% की ब्याज सब्सिडी प्रदान की गई है। MIG सेकंड के लिए 12 लाख रुपए तक की ऋण राशि के लिए 3% की ब्याज सब्सिडी प्रदान की गई है। 9 लाख रुपए और 12 लाख रुपए से अधिक की आवास ऋण में गैर रियायती दरों पर होंगे। यार्न बैंक योजना। कपड़ा मंत्रालय भारत सरकार ने सूत की कीमत में उतार चढ़ाव से बचने के उद्देश्य पावर टैक्स इंडिया योजना के घटकों के रूप में एक यार्न बैंक योजना की शुरुआत की है। यार्न बैंक का योजना का उद्देश्य है छोटे बुनकरों को ब्याज मुक्त कोष प्रदान करने के लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल या थोक मूल्य पर सूद खरीदने के लिए कंसोर्टियम प्रदान करना, उन्हें उचित मूल्य पर सूद देना, सूद की बिक्री पर बिचौलियों और स्थानीय आपूर्तिकर्ता की दलाली से बचाना। इस योजना के तहत पावर लूम बुनकरों द्वारा बनाए गए स्पेशल पर्पज व्हीकल कंसोर्टियम के लिए 2 करोड़ तक का ब्याज मुक्त कोष प्रदान किया जाएगा। मध्य प्रदेश ने शहरी युवाओं के लिए रोजगार योजना युवा स्वाभिमान योजना शुरू की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं के लिए युवा स्वाभिमान योजना शुरू की है।
इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं को 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा, उन्हें कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। केरल ने प्रवासी लाभांश पेंशन योजना शुरू की है। केरल सरकार ने प्रवासी केरल वासियों को 5 लाख रुपए के एक बारी भुगतान पर नियमित पेंशन प्रदान करने के लिए प्रवासी लाभांश पेंशन योजना जारी की है। अगली हमारी उड़ीसा ने जीवन संपर्क योजना की घोषणा की है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य के अति विशेष कमजोर आदिवासी समूहों के बीच राज्य सरकार के विकास और कल्याणकारी पहलों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए यूनिसेफ इंडिया के साथ साझेदारी में जीवन संपर्क योजना शुरू की है। महाराष्ट्र की अटल सौर कृषि पंप योजना, बिजली बिलों का भुगतान ना करने के कारण होने वाले नुकसान को कम करना और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है प्रमुख बातें हैं इसकी। महाराष्ट्र सरकार ने अटल सौर कृषि पंप योजना के तहत नामांकित किसानों को 2 LED बल्ब, 1 DC पंखा और 1 मोबाइल चार्जिंग सॉकेट मुफ्त में देने के फैसला किया है। सरकार किसानों के लिए रियायती दरों पर सौर पंप उपलब्ध कराएगी। योजना के तहत 5 एकड़ से कम भूमि वाले किसानों को 3 HP के सोलर पंप की लागत का 5% देना होगा, जबकि 5 एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों को 30,000 रुपये में 5 HP का सोलर पंप मिलेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सरकार द्वारा प्रायोजित फसल बीमा योजना है जो कई हितधारकों को एक मंच में जोड़ती है। इस योजना के तहत किसानों द्वारा सभी खरीफ फसलों के लिए 2%, सभी रबी फसलों के लिए 1.5% और वार्षिक वाणिज्य और बागवानी फसलों के मामले में 5% का समान प्रीमियम दिया जाएगा। अगली हमारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एक केंद्रित वैज्ञानिक तरीके से देसी नस्लों के गाय के संरक्षण और विकास के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना शुरू लागू कर रहा है। इस योजना में 2 घटक शामिल है, राष्ट्रीय गोजातीय प्रजनन कार्यक्रम और राष्ट्रीय गोजातीय उत्पादकता मिशन। अगली हमारी प्रधानमंत्री ने गंगाजल परियोजना शुरू की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगाजल परियोजना का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री ने आगरा में 2980 करोड़ रुपए की नागरिक परियोजना का शुभारंभ किया है। गंगाजल परियोजना का उद्देश्य बेहतर पेयजल आपूर्ति प्रदान करना है, जिसे स्थानीय निवासियों के साथ साथ पर्यटकों को भी लाभ मिलेगा। गंगाजल परियोजना का उद्देश्य आगरा में पेयजल की मांगों को पूरा करने में सहायता के लिए आगरा में 140 क्यूसेक गंगा जल पहुंचाना है। प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत भारतीय प्रवासियों के एक समूह को वर्ष में 2 बार भारत में धार्मिक स्थलों के सरकार प्रायोजित दौरे पर ले जाएगा। यह योजना मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, गुआना, त्रिनिदाद और टोबैगो और जमैका जैसे ग्रमिटिया देशों के लोगों को वरीयता देती है। अमृत योजना, केवल 20% परियोजनाएं पूरी हुई। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों से पता चला है कि कुल आवंटित धन के 3% का उपयोग करके केवल 1 वर्ष की समय सीमा के साथ कुल परियोजनाओं में केवल 20% को पूरा किया गया था। बिहार और असम जैसे राज्य एक भी परियोजना पूरा करने में सक्षम नहीं थे। 378 परियोजना को पूरा करके तमिलनाडु शीर्ष स्थान शीर्ष पर आया। अटल कायाकल्प एवं शहरी परिवर्तन मिशन, वर्ष 2015 में शुरू किए गए अटल कायाकल्प एवं शहरी परिवर्तन मिशन का उद्देश्य एक बुनियादी ढांचा स्थापित करना जो शहरी परिवर्तन के लिए पर्याप्त मजबूत सीवेज नेटवर्क और जल आपूर्ति सुनिश्चित कर सके। मिशन की अवधि है मार्च 2020 तक। सिक्किम के मुख्यमंत्री ने एक परिवार एक नौकरी परियोजना योजना का शुभारंभ किया है। सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग ने गंगटोक में एक परिवार एक नौकरी योजना शुरू की है। अब सिक्किम देश का पहला राज्य ऐसा राज्य बन गया है जहाँ जो राज्य सरकार के कर्मचारी लाभों के हकदार लोगों के लिए इस तरह के कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को एक सरकारी नौकरी आवंटित की गई। मधु बाबू पेंशन योजना, उड़ीसा सरकार ने मधु बाबू पेंशन योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 200 रुपये प्रति माह की वृद्धि की घोषणा की है। मधु बाबू पेंशन योजना उड़ीसा राज्य में विकलांग वृद्धजनों के लिए सामाजिक सुरक्षा और विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग के तहत पेंशन योजना है। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना का उद्देश्य जिला खनिज फाउंडेशन द्वारा प्रदान किए गए कोष का उपयोग करके खनन से प्रभावित क्षेत्रों और लोगों का कल्याण करना है। सांसद ने जय किसान ऋण मुक्त
मुक्ति योजना शुरू की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जय किसान ऋण मुक्ति योजना नामक 50,000 करोड़ रुपए की कृषि ऋण माफी योजना शुरू की है। इसमें 55 लाख छोटे और सीमांत किसानों को लाभ मिलेगा। अंगली धर्मेंद्र प्रधान ने उज्ज्वला सैनिटरी नैपकिन पहल शुरू की है। केंद्रीय पेट्रोल मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भुवनेश्वर उड़ीसा में उज्ज्वला सैनिटरी नैपकिन पहल की शुरुआत की है। पश्चिम बंगाल सरकार ने किसानों के लिए दो पहलों की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल सरकार ने किसानों के लिए दो कल्याणकारी पहल की घोषणा की है, जो कृषि कृषक बंधु योजना का हिस्सा है। दोनों पहलों में से पहले में मृत किसानों के परिवार को 2 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। दूसरे पहल के तहत किसानों को 1 एकड़ भूमि में एक ही फसल उगाने के लिए बस में 2 बार 2,500 रुपये दिए जाएंगे। चलिए, ये थी हमारी प्रमुख योजनाएं। अगले लेक्चर में बात करेंगे हम लोग शिखर और सम्मेलनों की बात, ठीक है? शिखर वार्ताएं और सम्मेलन।